सेल्फ मोटिवेशन मींस पहला पॉइंट ढूंढो, ये काम करने से मुझे क्या फायदा होगा। आदमी बड़ा स्वार्थी है, जब तक उसका स्वार्थ समझ में नहीं आता तब तक उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, स्वार्थ समझ के बाद दूसरा होता है उसके अंदर आलसीपन। हाँ यार फायदा होगा, सो जाओ कोई बात नहीं, हाँ यार कल कर लेंगे। तो वो सेल्फ मोटिवेशन और संकल्प शक्ति का कमी के कारण बॉडी माइंड ऐसा तुम्हें ठगता है। और अगर तुम उसके चुंगल में फंस गए तो तुम फंस गए। तो एक तो डीमोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा है आलसीपना, लेजीनेस सप्लाई कर देता है माइंड को कि नहीं करने से क्या हो जाएगा, नहीं करने से क्या हो रहा है, कल कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे। जिसका परिणाम हम नहीं करते, जिसका परिणाम इनिशिएटिव नहीं लेते, जिसका परिणाम जिंदगी में पीछे रह जाते। क्लियर? अब हम